अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट विद इजरा में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मैक्रोनी। मैंने यहाँ पे एल्बो शेप के लिए है, आप अपनी मर्जी से कोई भी जो आपको पसंद हो शेप वो ले लें। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसमें है आधा कप ऑयल, शिमला मिर्च, गाजर, ये 300 ग्राम्स मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसमें दो तरह की मैं केचप इस्तेमाल करूंगी, एक होगी चिली और दूसरा होगा टमाटर। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 से 1.5 चम्मच और ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है जिसको मैंने घर में तैयार किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये है हमारे पास बंद गोभी। अब हम मैक्रोनी उबालेंगे, उसके लिए मैंने पहले से पानी बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है। इसको उबालते हुए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें जाएंगी उसमें नमक, काली मिर्च और ये दड़ल मिर्च है। तो चले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है और अब मैं अपनी मसाले डाल दूंगी इसमें। ये पानी मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है और इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है ताकि ये हमारी मैक्रोनी जो है ये फीकी ना लगे जब हम खाएं, तो इसमें इसका टेस्ट चला जाए। ये मेरी मैक्रोनी 80% गल गई है। मैंने अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है लेकिन अभी मैं इसको पानी से नहीं निकालूंगी, हम दूसरी तरफ कुकिंग तैयार करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। इसके साथ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको जरा सा हिलाना है, कलर बिल्कुल नहीं देना और साथ ही इसमें चला जाएगा चिकन। चिकन अपना कलर चेंज करता है तो हम दूसरी चीजें डालेंगे इसमें। डल गया है, अब यहाँ पे हम इसमें नमक लेंगे अपने जायके के मुताबिक। याद रखें ये नमक यहाँ पे भी जाएगा और इसको हमने मैक्रोनी में भी उबालते हुए डालना है, तो ज़रा ये ध्यान रखना है। मिर्चें जाएंगी 2 चम्मच, काली मिर्च मेरे पास 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही हमने बस 1 मिनट की भुनाई करके हमने इसमें अपने गाजरें डाल लेनी है। गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, सबसे पहले हम इसको सोते करेंगे, थोड़ा सा इसको नरम करेंगे। गाजरें हमारी नरम हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है, हमने थोड़ी से ये खड़े खड़े रखी है, इसको बहुत ज्यादा नहीं गलाना, बस थोड़ी थोड़ी इसको हीट आ जाएगी तो ये नरम हो जाएंगे। बस हमने इनको नरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है। यहाँ पे हमारी जाएगी बंद गोभी। बंद गोभी मेरे पास ज़्यादा लग रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ी सी रख लूँगी, सारी नहीं जाएगी। ये मैक्रोनी मेरी बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। अभी मैंने इसको गर्म पानी से नहीं निकाला था इसीलिए मैंने 80% पे चूल्हा बंद कर दिया था। गर्म पानी में ये 20% और हो गई है, अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ पानी इसका। ये सब वेजिटेबल्स इसमें हमारी नरम हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरे पास 3 चम्मच है, ये सारे जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये केचप, चिली सॉस और टमाटो केचप, ये दोनों ही हैं। एक मिनट पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये अपनी बॉईल की हुई मैक्रोनी।
देखें ये बिल्कुल अलहदा अलहदा है, बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि मैं ये दोनों साथ साथ काम करती हूँ, इसके उबालने का भी और इसकी कुकिंग का भी। जब भी आप मखानी उबालें उसका पानी ड्रेन आउट कर लें, उसको ठंडे पानी से या ताज़ा पानी से भी आप उसको एक दफ़ा ज़रूर धो लें। बस ये हमारी डिश अब मुकम्मल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, सिर्फ 2 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आज की हमारी रेसिपी तैयार है, आप इसको ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।